वेलकम माई फ्रेंड्स वंस अगेन टू फैनब्लेज। दोस्तों बहुत टाइम बाद प्रॉपर फैंटेसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ एंड आई होप यू एंजॉय दिस होल वीडियो। ये है क्विक एंड डिटेल्ड मैच प्रीव्यू, परफॉर्मर पिक्स, इवन बल्लेबाजी प्रिडिक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच सेकंड T20 है, कल कटक में खेला जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेड टू हेड T20 में इंडिया 9-7 से साउथ अफ्रीका से आगे है, मगर लास्ट 5 गेम्स में 3-2 साउथ अफ्रीका इंडिया से आगे है। इन दोनों टीम्स की लास्ट बायलैटरल T20 सीरीज इंडिया में 1-1 ड्रॉ हुई थी। ऑल्सो उससे पिछली सीरीज साउथ अफ्रीका 2-1 जीती थी और ये अब 1-0 लीड करती है। पिछले 5 T20 की बात की जाए तो जो इंडिया की 12 एक्चुअली इन अ रो T20 विंस थी उसकी स्ट्रीक तोड़ी साउथ अफ्रीका ने पिछली गेम में, तो दे हैव 4 विंस एंड 1 लॉस। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड अपने लास्ट 5 आउट ऑफ 5 T20 जीती है। टीम्स के बीच का हाईएस्ट स्कोर पिछले मैच में ही बना है, 212/3 साउथ अफ्रीका ने मारे थे, चेज करके इंडिया के 211। एंड लोएस्ट स्कोर टीम्स के बीच 92 ऑल आउट है इंडिया का, कहां पे? कटक पे, यहीं पे जहां पे मैच हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होएगा आगे के लिए। पिछले मैच में बैटिंग में परफॉर्मेंस कौन रहे? इंडिया से ईशान किशन के 76/48 आए, श्रेयस अय्यर के 36/27 आए और हार्दिक पांड्या 31/12 बॉल्स। और साउथ अफ्रीका से दो बड़े नाम रहे, एक बड़ी पार्टनरशिप रही, रासी वैंडरसन 75/46, ही वाज ऑन 30/31 एंड देन 15 बॉलों में 44 रन मारे रासी वैंडरसन ने। एंड देन इन फॉर्म डेविड मिलर, ये बहुत अच्छे फॉर्म से चल रहा है आईपीएल में एंड ही कैरीड दैट इनटू द फर्स्ट गेम स्कोरिंग 64/31 बॉल्स। बॉलिंग में एक्चुअली किसी भी बॉलर ने 2 विकेट भी नहीं ली। इंडिया से सबसे कम एक्सपेंसिव अक्षर पटेल था 1/40 के फिगर्स इन 4 ओवर्स एंड साउथ अफ्रीका से वेन पानेल था विद 1/32। अच्छा, कटक में मैच है और अगर हम लोग 12 गेम पीछे जाएं तो हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पे 234 का है, बंगाल ने मारे थे अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट, एंड लोएस्ट स्कोर 62 ऑल आउट का है, मिजोरम ने मारे थे बंगाल के अगेंस्ट। दोनों Feb 2019 में साइद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बने थे। एंड हाईएस्ट रन चेज 175 की रही, कर्नाटका ने की थी छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट। एंड लोएस्ट डिफेंड कितना? 141 का स्कोर हरियाणा ने डिफेंड किया था वर्सेस ओडिशा। ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो एक्चुअली 12 नहीं, पिछले 14 मैच देख रहे हैं हम लोग एंड वहां पे फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर 162 का रहा है। मगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन 14 मैचेस में जो टीम ने पहले बैटिंग की है 5 पारी 200 प्लस टोटल मारे हैं, मगर 5 पारी 100 से कम के भी टोटल मारे हैं, जो एक ही चीज दिखाता है कि ये पिच या तो बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट होती है या वी कैन सी समथिंग फॉर द बॉलर्स इन इट। बैटिंग फर्स्ट की 8-6 से एडवांटेज है। इंडिया इस ग्राउंड पे एक मैच जीती है, एक मैच हारी है एंड साउथ अफ्रीका इस ग्राउंड पे एक मैच खेली है और वो मैच उन्होंने इंडिया को हराया था, जहां पे इंडिया ने इन दोनों टीम्स का लोएस्ट स्कोर बनाया। वेदर कैसा होगा? बहुत ह्यूमिड, 32 डिग्रीज, ह्यूमिडिटी 95%, मतलब सेकंड इनिंग्स में ड्यू आने की फुल संभावना है। एंड पिच की बात की जाए, जैसे मैंने बोला ओवरऑल यूजुअली अच्छी विकेट होती है बैटिंग की, 200 प्लस टोटल्स बने हैं 5 बारी, मगर थोड़ी सी स्लो भी खेलती है, स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा होता है इस विकेट में टू गेट आउट ऑफ। बाउंड्रीज के बारे में मुझे ये नहीं पता कि बहुत बड़ी बाउंड्रीज होती है या बहुत छोटी, छोटी हुई तो फिर स्पिनर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मिस हिट भी छक्के के लिए जाती है, मगर अगर थोड़ी बड़ी बाउंड्री हुई एंड थोड़ी सी ये विकेट स्लो भी खेली तो हमें बहुत हाई स्कोरिंग एनकाउंटर नहीं मिलेगा। अदरवाइज 180 तो कम से कम बनाने होंगे टीम बैटिंग फर्स्ट को, क्योंकि हमें पता है ड्यू भी आने वाली है एंड हमने पिछले मैच में 212 चेज होते हुए देखे हैं। सो बोथ कैप्टन्स विल आल्सो बी वेरी डेस्परेट टू विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट। टीम्स दोस्तों, बिकॉज ये 5 T20 की सीरीज है, लगता तो है कि दोनों टीम सेम ही प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। मे बी थोड़ी इंडिया एक्सप्रेस पेस के लिए उमरान मलिक को लाए, बट आई फील दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 सेम ही रहेगी। कौन है इन फॉर्म प्लेयर्स अभी? डेविड मिलर, इसकी 4 इनिंग्स पिछली 64 नॉट आउट, 32 नॉट आउट, 68 नॉट आउट एंड 34 की रही है। इसको आउट भी नहीं कर पा रही टीम, ये बड़े छक्के भी मार रहा है, हाई स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर रहा है। रबाडा 16 विकेट है इसकी पिछले 7 आईपीएल गेम्स में, पिछले मैच में भी इसने 1 विकेट ली, मगर उसको हटाओ तो 7 मैच में 16 विकेट है रबाडा की। तो इज कमिंग इन गुड फॉर्म, गुड विकेट टेकिंग फॉर्म मोर इम्पोर्टेंटली। ईशान किशन, वेल इसके 6 T20 है, अगर पिछले देखे जाए इसके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, 76, 48, 43, एक बीच में फेलियर ऑफ 6, फिर 51 एंड 45, तो ही हैज बीन अक्यूमुलेटिंग द रन्स और ये फैंटेसी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड हर्षल पटेल, इसके 10 विकेट है पिछले 5 T20 में। अच्छा दोस्तों, नाउ आई नो कि आप लोग बल्लेबाजी प्रिडिक्टर भी खेलते हैं, तो ये स्पेशल प्रिडिक्टर प्लेयर्स के लिए है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी एनालिसिस कर रहे हैं कि इंडिया की
फर्स्ट T20I में फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप कितने की रही, 57 की रही। और हमने देखा कि दोनों प्लेयर्स बिल्ड कर रहे थे इनिंग्स, तो अराउंड 40 की आप ले सकते हैं इस मैच में। साउथ अफ्रीका की फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप सिर्फ 22 रन्स की रही, और आई फील वही 10 और 20 के बीच में रहेगी इस मैच में। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ईच 14-14 सिक्सेस मारे, टोटल 28 छक्के लगे मैच में। अगेन ये डिपेंड करेगा कि कितना छोटा ग्राउंड है या कितना बड़ा। अगर छोटा ग्राउंड रहा देन अगेन आप 10 से ऊपर सिक्सेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं ईच टीम के। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल इंडिया का लास्ट 5 मैचेस में 188 का रहा है, एंड साउथ अफ्रीका का लास्ट 5 मैचेस में एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल 164 का रहा है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है यू कैन प्रिडिक्ट समथिंग अबाउट 180, मगर अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है आप 160 और 170 के बीच में प्रिडिक्ट करना, क्योंकि हमने कटक में भी देखा है फर्स्ट इनिंग्स जो एवरेज टोटल पिछले 5 मैच में रहा है वो 159 का रहा है। आई होप ये नया जो प्रिडिक्टर स्पेशल है ये आपको पसंद आया हो। हम आगे बढ़ते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन हो सकते हैं। इंडिया की बात करें तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर सेफ ऑप्शंस रहेंगे फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो अगर स्मॉलर लीग्स खेल रहे हैं तो उन दोनों का ऑप्शन अच्छा है। अदरवाइज हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल स्पेशली ग्रैंड लीग में दोनों बहुत अच्छे कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस रहते हैं। साउथ अफ्रीका से बात की जाए तो स्मॉल लीग्स में देयर इज डेविड मिलर, इन फॉर्म डेविड मिलर एंड इन फॉर्म क्विंटन डिकॉक, दोनों अच्छे कैप्टन या वाइस कैप्टन ऑप्शंस हैं इन स्मॉल लीग्स। एंड टेम्बा बवुमा एंड ड्वेन प्रिटोरियस ग्रैंड लीग में एक्सेलेंट ऑप्शंस हैं स्पेशली फॉर वाइस कैप्टन, स्पेशली ड्वेन प्रिटोरियस, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर में उसको बैटिंग भी करवाई, उसने बड़े छक्के भी मारे एंड अपने पूरे 4 ओवर डालता है, स्पेशली उनमें से 2 डेथ में होते हैं। मेरे परफॉर्मर प्रेडिक्शंस दोस्तों, मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ के रन्स आएंगे। फर्स्ट मैच में बहुत पॉजिटिव लग रहा था एंड बहुत अच्छे से बॉल हिट कर रहा था, सो आई फील ही विल स्कोर द रन्स फॉर इंडिया एंड युजवेंद्र चहल विकेट्स लेगा। साउथ अफ्रीका से क्विंटन डिकॉक एंड कगिसो रबाडा मेरे परफॉर्मर प्रेडिक्शंस है विद बैट एंड बॉल, मगर जो पंट पिक्स है दोनों टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फ्रॉम इंडिया एंड ड्वेन प्रिटोरियस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। विनर प्रेडिक्शन चाह के भी मैं साउथ अफ्रीका नहीं बोल सकता, तो आई विल प्रेडिक्ट एन इंडियन विक्ट्री। आगे बात की जाए तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो फैंटेसी टीम है क्या हो सकती है। ये जो फर्स्ट टीम है ये स्पेशली स्मॉल लीग्स के लिए अच्छी टीम है। क्विंटन डिकॉक मेरा कैप्टन है, यहाँ पे ऋषभ पंत है, रासी वैंडरडुसन, डेविड मिलर, तो ये तीनों अच्छे फॉर्म में प्लेयर्स हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 3 बैट्समैन एंड ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, क्विंटन डिकॉक को कैप्टन। देन मेरे जो दोनों पंत प्लेयर्स हैं ड्वेन प्रिटोरियस एंड हार्दिक पांड्या भी इस टीम में है विद युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल एंड कगिसो रबाडा। ये जो दूसरी टीम है वो आप स्मॉल लीग्स में भी यूज कर सकते हैं, मगर ये बेटर जीएल टीम बनेगी। यहाँ पे डिकॉक, मिलर और बवुमा आ गए हैं, तो एक्सपेक्ट करें कि एक फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप अच्छी होगी डिकॉक और बवुमा के बीच। देन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन है यहाँ पे, हार्दिक पांड्या मेरा कैप्टन है, ड्वेन प्रिटोरियस मेरा वाइस कैप्टन है विद अक्षर पटेल, आविश खान की एक्सप्रेस स्पीड विद कगिसो रबाडा एंड आंद्रिक नोकिया की भी एक्सप्रेस स्पीड इन दिस टीम। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे टॉस के बाद भी दूंगा मैं। अब दोस्तों इस मैच में आप लोगों के लिए पर्सनली कोड नहीं ला पाया, मगर मैंने क्या किया, मैंने बहुत रिसर्च की बल्लेबाजी की ऐप पे, मैंने देखा कि कौन से कोड्स अभी चल रहे हैं, उनको सबको मैंने टुगेदर डाल के यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हैं एंड मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्या है। INDI3 जो कोड है वो है डिपॉजिट करिए आप 1,000 to 10,000 रुपीज के बीच तो आपको 3% रियल कैश मिलेगा, मतलब अगर आप 10,000 रुपए डालेंगे तो बल्लेबाजी आपको 300 रुपए ऊपर से देगा जो आप अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं। देन ये जो दूसरा कोड है वो है INDI5, वो सेम चीज है मगर आपको रियल कैश कितना मिलेगा 5% अगर आप 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक डिपॉजिट करेंगे। देन इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए जो स्पेशल कोड्स है वो है INDRSA10 और INDRSA15, दोनों डिपॉजिट कोड्स है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के, एक में आपको 10% कैश बोनस मिलेगा और दूसरे में 15% कैश बोनस मिलेगा। दोस्तों आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, मैं आपको अगले वीडियो में हमेशा की तरह फिर मिलूंगा। गुड बाय, गुड लक टू यू ऑल एंड आते रहूंगा मैं और कोड्स के साथ आप लोगों के लिए भी, एंड बल्लेबाजी प्रेडिक्टर खेलना ना भूलना। दिस इज राकुल डिंगरा साइनिंग ऑफ।